हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि जो लोग चार्टिंग पे काम कर रहे हैं वो स्टॉक लिस्ट कैसे बनाएंगे। तो काफ़ी सारे यूज़र आजकल चार्टिंग पे मूव होने लग गए हैं और उनको स्टॉक लिस्ट बनाने में दिक्कत होती है, क्योंकि जितनी भी वीडियो मैंने अभी तक डाली है उनके अंदर मैंने बताया कि जेसन कैसे बनाते हैं। तो कहीं वो कोलन छोड़ देते हैं, कहीं वो कोमा छोड़ देते हैं, कहीं वो कर्ली ब्रैकेट छोड़ देते हैं, जिससे इनवैलिड जेसन हो जाती है और उनकी फाइल भी सेव नहीं होती। तो इसका एक अल्टीमेटिव वे लेके आया हूँ मैं, और ये वीडियो मैं उनको शेयर करूँगा जो भी बोलेंगे हमसे स्टॉक लिस्ट नहीं बन रही। और ये वीडियो उन्हीं लोगों को समझ आएगी जिन्होंने मेरी पहली की वीडियो देखी होगी। अगर आप चार्टिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे नेक्स्ट लेवल बॉट चैनल पे चले जाना, और इस चैनल पे आने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहाँ पर आपको 7 वीडियो मिलेगी। अभी आज की मिला के 8 हो जाएगी और आगे भी कोई वीडियो आएगी तो बढ़ती जाएगी। तो आप यहाँ देख लेना चार्टिंग स्कैनर ऑल वीडियो। जैसे आप ये देख लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं और वेबसाइट पे लॉगिन कर रखा है तो डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो डैशबोर्ड पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ आने के बाद आप देखोगे यहाँ पर ये चार्टिंग स्कैनर का हमने वो बना रखा है। तो थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ होता क्या है चार्टिंग में। हम यहाँ एक स्टॉक लिस्ट बनाते हैं। ये स्टॉक लिस्ट ये काम करती है कि अगर चार्टिंग SBI भेजेगा तो आपका ब्रोकर हो सकता है SBI को किसी और नाम से कॉल करता हो, तो हम उसका बताते हैं कि जैसे कि इसमें हमने बता रखा है बैंक निफ्टी इक्वल टू ये स्ट्राइक प्राइस बता रखा है, मतलब ये ऑप्शन का एज अ डेमो दे रखा है। तो जब भी आपका ब्रोकर SBI भेजेगा तो आपके ब्रोकर को SBI क्या कहता है। जैसे अगर मैं कोटक की बात करूँ, कोटक न्यू की बात नहीं कर रहा, कोटक की बात कर रहा हूँ, तो कोटक के अंदर SBI को उनका कोटक जो कहता है वो कहता है 1900 इंस्ट्रूमेंट टोकन उसका 1900। तो ऐसे सबके ब्रोकर के अलग अलग हैं। अब जरोदा की बात कर लूँ तो SBI को चार्टिंग तो SBI को SBI कहता है, पर जरोदा कहता है SBI EQ। तो ऐसे आपको लिंबर लिस्ट बनानी होती है। तो कई लोग है ना इधर अब जो फाइल डालते थे कुछ इस तरीके से डालनी होती थी, ये जेसन कोड मैंने कई वीडियो में बता रखा है। तो कहीं वो डबल कोमा भूल जाते थे, कहीं वो कोलन भूल जाते थे। तो इसका एक अल्टरनेटिव भी लेके आया हूँ और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। जैसे हम अभी ले लेते हैं जरोदा का। जरोदा के लिए मैंने SBI टाइप करा। ये SBI कौन कहता है, ये आपका चार्टिंग कहता है, पर जरोदा चार्टिंग को क्या कहता है, SBI-EQ। ठीक है, मैंने ये डाला तो हमारा एक सिंबल तैयार हो गया। आप यहाँ पर देखो ये इनने हमारे को एक जेसन फाइल बना के दे दी, जेसन कोड बना के दे दिया। अब इसके अंदर देखो मैं कुछ नहीं करूँगा, कोमा वोमा कुछ नहीं डाल रहा, मैं इंटर मार रहा हूँ तो अपने आप ही है ना। अब दूसरा सिंबल लूँगा IOC = IOC-EQ। तो देखो कोमा अपने आप ही डल गया। तो मतलब यहाँ प्रॉपर जो लोग कोलन डालने में दिक्कत करते थे, डबल कोमा डालने में दिक्कत करते थे, उनके लिए बहुत ईजी है। अब मैं इधर कुछ और भी डाल सकता हूँ। इंटर डाला NTPC = NTPC-EQ। तो देखो कितने प्यार से सिंबल लिस्ट बन रही है। तो वन टाइम आपको बनानी होती है, उसके बाद तो आप अपने नोटपैड फाइल में सेव कर लोगे, इस तरीके से बना लोगे। अब जैसे कि कई लोग है ना, इसमें एक चीज़ और थी कि कई लोग है ना क्वांटिटी भी बोलते थे, भाई क्वांटिटी भी लेनी है। तो अब अगर हम ऊपर जाएंगे तो मैं इधर देखो ये लगाया /Q डाला, क्यू लगाया और इधर डाल दी मैंने 12 क्वांटिटी। तो अपने आप ही यहाँ देखो ये क्वांटिटी भी आप इजीली ऐड कर पा रहे हो। इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि मैं 11 क्वांटिटी लूँगा, इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि मैं 9 क्वांटिटी लूँगा, खाली 9 ही डाल देता हूँ, तो /9। ठीक है जी। तो अब यहाँ देखो प्रॉपर जेसन बन गया, कहाँ कोमा लगना था, कहाँ क्या लगना था, वो आपको बना के दे देता है, तो ईजिली बना पाओगे। अब आ जाते हैं एज ए एग्जाम्पल, आज एक मेरे पास यूज़र आए और वो काम करते थे फिनवेशिया में। फिनवेशिया में क्या है कि जितने भी अभी तक मैंने ब्रोकर देखे ना वो कॉल पुट में काम करते हैं। तो कह रहे हैं मैं बैंक निफ्टी में काम करता हूँ और बैंक निफ्टी के अंदर है ना मैं बना नहीं पा रहा। तो होता क्या है कि और जितने भी ब्रोकर हैं वो C और P कॉल और पुट है ना स्ट्राइक प्राइस के पीछे लगाते हैं, पर फिनवेशिया स्ट्राइक प्राइस के आगे लगाता है, वो भी सी वर्ड लगाता है या पी वर्ड लगाता है। तो उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही थी, अभी तक कोई वीडियो नहीं बनी हुई थी। तो एग्जाम्पल के लिए अब मैं दिखा देता हूँ, जब मैं आया हूँ तो जैसे वो आए तो उन्हें क्या करना था, चार्टिंग तो बैंक निफ्टी को बैंक निफ्टी कहता है, तो उन्होंने डाला बैंक निफ्टी एज अ एग्जाम्पल, यहाँ इक्वल डाला, उसके बाद उन्हें डालना है बैंक निफ्टी। अब उन्हें ना हमारी सिंबल लिस्ट पे चले जाना है, सिंबल में उन्हें ये देखना है कि फिनवेशिया चार्टिंग को क्या कह रहा है। तो एक बार हमारी लिस्ट में जाके हम भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी 25, क्योंकि जो
19 जनवरी की एक्सपायरी वो निकल गई, अब 25 की रह गई, तो 25 और जैन डालता हूँ। जैन के बाद देखो नीचे सजेशन में करने भी बताने भी लग गया, तो 23 का मतलब 2023 हमें सिंबल मिल गया, तो हमने इसे कॉपी करा, इधर गए और इधर डाल दिया। अब इसके बाद आता है ओटी। ओटी मतलब होता है कि अगर आपने मेरी कॉल पुट की वीडियो देखोगे ना कि चार्टिंग से ऑप्शन कैसे करें, तो आपको पता चल जाएगा। तो हम है ना चार्टिंग में दो स्कैनर बनाते हैं और उसी में डिसाइड करते हैं कि ये कॉल का सिग्नल है और ये पुट का सिग्नल है, ठीक है। तो वहाँ हम लिख देते हैं कि सी और पी, तो वो इधर ऑटोमेटिक लगेगा। तो इधर हम डालेंगे एक करली ब्रैकेट डालेंगे, मैं आपके सामने डाल के दिखा देता हूँ, एक करली ब्रैकेट यहाँ डालेंगे ओटी। ओटी का मतलब होता है ऑप्शन टाइप, और एक करली ब्रैकेट इधर डाला, तो ये ऑटोमेटिक चार्टिंग इधर प्लेस कर देगा। अगर मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो आइडिया लग जाएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद स्ट्राइक प्राइस, तो चार्टिंग हमें एक प्राइस भेजता है जब आपका स्कैनर अलर्ट्स देता है, तो उस टाइम का प्राइस भेजता है, तो उस टाइम का प्राइस हमें है ना जो कैप्चर करते हैं वो करते हैं इस पैरामीटर में। तीन करली ब्रैकेट स्टार्टिंग में डालेंगे, क्लोज डालेंगे, फिर बंद करेंगे तीन करली ब्रैकेट से। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का पूरा बन गया कि हमें क्या चाहिए। अगर हमें इसमें क्वांटिटी भी लेनी है, बंदा चाह रहा है कि भाई मैं क्वांटिटी भी अपने हिसाब से लगाऊं, तो स्लैश डाला, क्वांटिटी लगाई और 25 लगा दिया यहाँ पर। तो अब ये पूरा सिंबल बन गया है उनका, फिनवेशिया का, कि हाँ भाई बैंक निफ्टी में अगर वो कॉल पुट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब इसी के अंदर मैंने निफ्टी भी ले लेता हूँ, ये निफ्टी डाला क्योंकि चार्टिंग निफ्टी कहता है, तो ये क्या कहेगा, निफ्टी 25 जैन 23। ये मुझे पता कैसे चला, मुझे ये पता चला कि हमारी फिनवेशिया की सिंबल लिस्ट में गया, तो मुझे पता है कि इनका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ये देखो पी लगा रखा है ना इसमें, तो चार्ट जो फिनवेशिया स्टार्टिंग में कॉल पुट लगवाता है। तो अब इधर गए, अब हमने ये डाल दिया, उसके बाद हमें क्या डालना था, हमें डालना था ओटी। तो हमने एक करली ब्रैकेट लिया और यहाँ ओटी टाइप करा और इसे क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर हम तीन करली ब्रैकेट लेंगे, 1 2 3 यहाँ क्लोज कर देंगे और इसे भी क्लोज लिख के क्लोज करली ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, है ना, ये बन गया। अब इसमें भी अगर हम क्वांटिटी अपनी मन से डिसाइड करना चाहते हैं, वैसे तो आप जो सेंटेक्स में डालोगे वो आ जाएगी, पर आप चाहते हो अलग लगाना, तो आप यहाँ पर स्लैश डालोगे, क्यू डालोगे और यहाँ पर डाल दोगे 50। तो देखो इन्हें खुद ही कॉमा लगा दिया। अगर मैं सिंबल को अगर यहाँ यूज़ कर लूँ, एज ए एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊँ, तो मैं चार्टिंग के डैशबोर्ड पर गया, पुराने वाले को डिलीट मारा, ये आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज होगा, इस तरीके का, तो आप इस पे एडिट पे क्लिक करोगे, इसे डिलीट मारोगे और इधर डाला और सेव करा, तो ये देखो पूरे फॉर्मेट में सेव भी हो गया कि हाँ भाई जो हमने कोड करा था उस टाइम तो दिख कैसा रहा था, अब कैसा हो गया। अब मेरा अगर कोई ऑर्डर आता है ना चार्टिंग पे, तो ऑटोमेटिक वो ऑर्डर इधर लग जाएगा, मतलब कॉल पुट लग जाएगा। मेरी वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि चार्टिंग पे सिंबल बनाना कितना ईजी है। इस वेबसाइट का नाम आप देख लो, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, बाकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वेबसाइट पे जाके आप इजीली चार्टिंग के सिंबल बना सकते हो बिना किसी जेसन नॉलेज के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।